ग्राम पंचायत सतगता का मजरा रसोई में समय हम लोग हैं और लोगों से यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सरकार की स्कीमें आप तक पहुँच रही कि नहीं पहुँच रही हैं, गांव की स्थिति क्या है। जैसे ही हम गांव के अंदर घुसते हैं तो सड़कें बहुत खराब हैं, नालियाँ नहीं हैं, कई जगह सड़क निर्माण में बहुत कमी देखने को मिली है, कई जगह सड़क भी नहीं है, पुराने खंडे के रोडों पर अभी भी जिंदगी चल रही है, पानी की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, कई लोग तो गाँव छोड़कर बाहर चले गए हैं, खंडर बन गया है गाँव और अभी भी गांव बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहा है। लोगों से चर्चा कर रहे हैं, उनसे जान रहे हैं उन्हें सरकारी स्कीम्स जो हैं वो मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं और क्या क्या यहां पर हो रहा है। आइए चर्चा करते हैं। क्या नाम आपका? हमारा नाम है ब्रजकिशोर कौशिक। कौशिक जी, कौन से गांव के रहने वाले? हम यही ग्राम रसोई के रहने वाले हैं और हमारे गांव में नाना प्रकार की परेशानियां हैं, विशेष हमारे यहां पेयजल की बहुत ही समस्या का घाव से जूझना पड़ रहा है, मतलब पानी की समस्या की बड़ी दिक्कत। हमारे यहाँ पीने के पानी की बहुत ही आज से क्या जन्म जन्मांतर से पानी की पीने की समस्या। लोग गांव से पलायन कर रहे हैं, इसी से हमारे गांव के लोग निकल निकल करके बाहर जा रहे हैं, अपनी व्यवस्थाएं देख रहे हैं, कोई खेतों पे रह रहे हैं, कोई और बाहर जा रहे हैं, क्योंकि पानी नहीं है पीने के लिए गाँव में। और क्या गाँव में और क्या? और गाँव में ये सड़कें वगैरह देखिए, नाली बिगड़ी डली है, कीचड़ मचा हुआ है, नाना प्रकार से कोई विकास की ओर नहीं है हमारा गाँव। सर क्या कहना चाहेंगे आप अपने गाँव के बारे में? हमारे यहाँ जो है सड़क नहीं है, पानी नहीं है, इसलिए बहुत परेशान है। और क्या गांव में? और सरकारी स्कीम्स का प्रचार प्रसार करने कोई अधिकारी आते हैं कि नहीं? नहीं आते हैं। सरकार की स्कीम कोई मिली आपके लिए? नहीं, कोई नहीं मिली। कोई सरकारी स्कीम का नाम जानते हैं? नहीं, हम नहीं जानते हैं। हम जानते ही नहीं, जब अच्छा, नहीं तो बैंक कौन सा है आपका यहाँ पर? यहाँ पर है देलवारा। देलवारा बैंक। देलवारा बैंक में जब आप पैसे निकालने जाते हैं तो दिक्कत तो नहीं होती निकालने में? नहीं होती है जी। लोन मिल जाता है? लोन लिया? केसीसी मिल जाता है? कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। सर क्या नाम आपका? मेहरवान। कैसे हाल चाल है आपके गांव में? हम तो बुढ़े आदमी है, तो पानी की है, पानी की समस्या है। पेंशन मिल रही? पेंशन तो मिल रही। सरकारी स्कीम को लाभ तो कछु तो मिल रहा हुई है? पेंशन और कछु और कुछ बहुत 2000 रुपया सम्मान निधि के आ रहे? हम कुंजा नदी आया पेंशन निधि मिला। फसल प्रधानमंत्री जी नहीं भेजा भी 2000 रुपया मिला तो है? हमें चाहे पेंशन मिला तो चाहे भी मिला तो हम जानते हैं क्या मालूम नहीं। का हाल चाल? सब ठीक है, अकेले पानी की समस्या गांव में, पानी की समस्या, रोड मोड तो गड्ढा है, तो गड्ढा तो फैतवा है जो जो बहुत बड़ी हालत है। कोई सुनवाव है कि नहीं? कोई तो आव तो नहीं। नेता को है तुम्हारे तक? नेता को नेता को है का? कोई नहीं जी, नेता को है तुम्हारे तक? अरे अब हमारे यहाँ के हैं नेता, हम बताते हैं। तिलक सिंह यादव बानोली है, गोविंद यादव बानोली, नाना प्रकार के नेता आते हैं। जब चुनाव तो लड़ रहे गोविंद यादव, चुनाव प्रचार टाइम आता है जब जाकर के नाना प्रकार की बातें सुनाते हैं अपनी। ये पोस्टर ही में दिखाई देता जी नेता? और क्या, पोस्टर के दिखाई देने वाले तो हैं, क्योंकि गांव का विकास कभी होता नहीं। सोशल मीडिया पे फोटो डाल रहे हैं। पहले हमारे तिलक यादव के नाम से जिला पंचायत को खड़े थे, जिला पंचायत उन्होंने कहना कल काल भी किया, केवल आज ये हमारा केवल ये आरसीसी करवा दिया था, गड्ढा है बस, गड्ढे हैं बस, वो भी ऐसे ही भ्रष्टाचार को चढ़ गया तो स्थानीय नेता भी नहीं सुना? कोई नहीं सुनता है। बीजेपी को आए कौन विधायक विधायक सांसद मंत्री? मैं कुशवाहा जी आराम से रोड पे हूँ, कड़े जाता आराम से बने, जब वोट चाहे सुबह सुबह महाराज पाँव पर है और आराम से आशीर्वाद दो महाराज, जब तुम्हारा आशीर्वाद चाहे तो वही आशीर्वाद चाहे और क्या, वोट मिलवा चाहे जो ये है कभी आते हैं कभी कोई नहीं आओ, गाँव में कोई नहीं आया, मतलब गाँव में कोई नहीं आया। विकास की विकास को लेकर के आज तक कोई नेता हमारे गांव में आया नहीं है, ना कोई गांव को जानता है कि रसोई गांव कैसा है। अच्छा हाँ, पूछने आ रही बस, जिस स्थिति में जी रहा है गांव उसी में जीते रहो, दलदल में डले रहो, दलदल में डले थे और दलदल में ही डले रहना है। बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए? अरे बच्चे तो अब प्राइमरी तो हमारे गाँव में स्कूल है, इसके बाद में फिर मनगवा जाते हैं पैदल चल चल करके, पैदल जाते और क्या। अच्छा जखौरा ब्लॉक के कुछ नेताओं के नाम बताओ पंडित जी आप, जखौरा ब्लॉक के बड़े बड़े नेता के नाम बताओ, आए कि नहीं आए सुनवे के? हमारे यहाँ कोई समाधान करने के लिए नहीं आया, इसलिए किसी के नाम नामकरण मत करवाइएगा यहाँ। अच्छा जी, मतलब फ्री फंड में टीआरपी बढ़ जाएगी उनकी है क्या? उनकी टीआरपी बढ़ जाए। हमारा कहने का मतलब ये है कि जो विकास की गतियाँ बना है वो नेता है, नहीं तो वो बड़े अपने घर चलाने के लिए, घर में धन कमाने के लिए तो संसार में खावे की फोटो डाले से का हो रहा संसार की भाई साहब, का हाल चाल है? ठीक है। खेती बाड़ी कैसी चल रही है? खेती बाड़ी ठीक है सर, यहाँ के लिए पानी की परेशानी है। सिंचाई के लिए फसल के लिए पानी कितने से है?
सर राजघाट नहर को अब सुहा अभी तो वैसे ही परेशान चल रहा आदमी, वैसे ही फसल अब सूख रही, पानी नहीं आ रहा, नहर निकाल नहीं आ रहा, अभी नहर बंद कर दी गई है, नहर बंद कर दी गई है, पावर हाउस चल रहे हैं, पानी बेच रही है सरकार, दूसरी जगह को पानी सप्लाई कर रही है, गेट खुलवा दिए गए, हमारी नहर टूट गई। किसानों किसान की जो किसानी है भाड़ में जावे, हमें इससे कुछ लेना देना, पावर प्लांटों को पानी पहुंच जाए, पावर प्लांटों को पानी, क्योंकि सरकार को पैसा मिल रहा है अब किसानों से, जबकि किसान खेती नहीं करेगा तो ना सरकार चलेगी ना ये नेता रहेंगे। ये क्या था कि किसान आंदोलन चल रहा हो इतने दिन से, किसान आंदोलन चल रहा हो, सवा 200 आदमी करीबन मर गए और प्रधानमंत्री जी ने ना तो ने श्रद्धांजलि दे पाई ना कुछ कह पाई, उल्टे जाके दे उनके नेता ने कि खालिस्तानी है, पाकिस्तानी और पाकिस्तानी खालिस्तानी, इनसे नहीं की सरकार के मंत्री बात कर रहे थे जी, यही तो समस्याएं हैं, समस्याओं, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को जुझारू संघर्षी कोई नेता नहीं है, स्वयं के लिए जुझारू है, संघर्षी है, लगनशील है, क्योंकि हम स्वयं कमाएं स्वयं खाएं, दूसरों की देखने के लिए कोई संसार में कोई है नहीं, ये लोग उतना ही आओ जितना उन्हें वोट चाहे आओ, बस वोट ले ले और बस फ्री है, उतना वोट का दे दे, नहीं दो वोट और फिर क्या करें, देने नहीं दो, भगा दो सरकार के, देख दो कि हमारे गांव में नहीं आवे, नहीं सरकार जबरदस्ती भी करत के नहीं देने तो वोट तो देने आए, उन्हीं को देने आए, चाहे माफिया हो चाहे दलबदल हो, हैं देने तो नहीं, मतलब यही नेता है और कोई नौ नेता तो हम लोग बना नहीं सके, यही नहीं है कोई नेता, क्या करे, केवल पोस्टर में दिख रहा है नेता है, तो काकी काकी का हाल चाल है, का हाल चाल है, गाँव में कैसी जिंदगी कट रही तुम्हारी, पानी मिल लो, सिलेंडर मिले, सिलेंडर फ्री भाव मिले, और कहाँ मिले आवास, आवास आए मकान भी आओ, मकान आओ तो मकान नहीं आओ सब मिले, अच्छा अबे नहीं आओ मैं तो आ दूँ मकान, केवल सिलेंडर मिले हो, कितना होगा सिलेंडर को भाव अब हमें नहीं पता, वो अभी पता नहीं है, महंगा होगा अब तो, सब्सिडी भी खत्म हो गई, सब हो गई, हाँ काकी का हाल चाल है, पानी की और तो जैसी सिलेंडर मिले, सिलेंडर मिले नहीं मिले, अच्छा ये तो आशा को है, आशा आंगनवाड़ी को है जाना, आंगनवाड़ी को आंगनवाड़ी सरोज है आशा और रमा है, आउट हो नहीं तुम लोग से मिले बातचीत करवे, हम नो नहीं आउट है, ना नहीं आउट तो ने टाइम ही नहीं, अच्छा अस्पताल कौन सी है तुम लोगन की, जखोरा, जखोरा जाओ इलाज करावे का पैसा वैसा तो नहीं मांगत, फ्री बन के मांगत नहीं है, मांगत है हो का कहते हैं, पैसा ले आओ जब दवाई दी, नहीं गोली तो काय की, सरकारी अस्पताल में फ्री की दवाई नहीं मिलती, नहीं मिला, नहीं मिला, हाँ बड़ी समस्या है, सरकारी अस्पताल को हल्का है तुम्हारा, खराब अब कोई अब ऐसा ही है चल रहा हो तो सब कोई मतलब वो नहीं है, दो दार हुआ है जखोरा, तो रोड नहीं उतरंदा कहते भागो 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 करो नाम है, अब गए दवाई नहीं दे सु काय होनी, पैसा तो नहीं मांगा दवाई के, दवाई की नहीं मांगा, मांगा ले कहते हैं पर्चा के जाओ इस तरह से, वो तो है तो वही दूसरे के तो जाओ दूसरी सरकारी दवाई आने वाली मिल रही, पैसा दे उसको जो है लिखता ही कर ले मन से ले लो, अब का और का करे आदमी, वैसी नहीं है ऐसी व्यवस्था में पंडित जी का कंचा है, जब मतलब आप देखो सरकार भारतीय जनता पार्टी के योगी जी की सरकार है, चार साल सरकार को हुए हुए हैं और मोदी जी को करीबन 6.5 साल हो ही गए, तो ऐसे में सरकार कह रही हमने भ्रष्टाचार मिटा दो सब कुछ अच्छा कर दो, तब भी जमीन स्तर पर काज थी, चलो हम ये बात तो मानते हैं कि सरकार ने भ्रष्टाचार को मिटा दिया, चलो अच्छी बात है, बताते हैं वो ही बोलते हैं और अपन को तो पता नहीं है कि हमारा देश माइनस में था, हमने प्लस कर लिया, मतलब बराबरी के राष्ट्र बना लिए, अच्छा है चलो ठीक है, लेकिन इतना भी तो होना चाहिए कि सभी जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग हैं उनकी भी तो देख रेख होना चाहिए, मेन चीज हमारे गांव की जो समस्या है पानी, पानी पानी मेन समस्या, नहर का पानी तो ठीक है पीने के लिए बहुत त्राहत्राह है, लोग पीने के लिए ज्यादा जबरदस्त परेशान है, क्योंकि कम से कम 2 किलोमीटर दूर से पानी पीने के लिए लेकर के आते हैं जब पी पाते हैं, भैया क्या कहा हमेशा यही बात है कि पानी की परेशानी है तेरा, दारू बिक रही गाँव में, गाँव बिक रही और पुलिस आउट के नहीं आउट, नहीं आउट जीते नहीं आउट कौन, चलो पुलिस तो परेशान नहीं करा, ये तो तुम्हें पुलिस नहीं कहा कौन, चलो एक ठीक तो अच्छी है, अच्छा भाई साहब महिलाओं की जिंदगी का है, महिलाएं गांव से आवे जावे में कोई दिक्कत तो नहीं होती, नहीं नहीं हमारे यहाँ ऐसी कोई स्थितियाँ नहीं है, सब बढ़िया स्वतंत्र है हमारा गांव, ना किसी प्रकार से कोई कोई बड़े अधिकारी थे चौपाल लगे तुम्हारे गांव में, नहीं आज तक कोई ऐसा अधिकारी नहीं आया हमारे यहाँ कि कोई चौपाल लगा करके पूछे गांव में समस्याओं को कि तुम्हारे गांव में क्या समस्या है, सरकारी स्कीम को प्रचार प्रचार करवे के लाया, अब हम यदि सक्षम है तो स्वतः हम ही उन
स्कीमों का फायदा ले सकते हैं, ना कि हम दूसरों को दिलाने में सक्षम नहीं है। क्यों? कि हम स्वतः अपना चाहते हैं। तुम्हारे प्रधानी बानो वो कौन सा गाँव लगा? सतगता लगता है। वहाँ के जो तुम्हारे इधर नेकपाल है वे याद? हाँ, लेखपाल आते हैं। उनने बताया स्कीमन के बारे में? बताया तो है हर चीज के बारे में, लेकिन समस्या ये है कि अब करवाता कौन है, अग्रीय कौन होता है, सामने कौन होता है, आगे ऊपर के कौन जाता है, कागजी प्रोसेस के लिए भी लोग नहीं बताते क्या? कहा है बताते हैं, जैसे आवास वगैरह इत्यादि हमारे गांव में आए भी है, कम से कम 28 आवास आए हुए हैं। अच्छा, पूर्व की सरकार और इस सरकार में का अंतर देखा? लाइट तो जल रही पीछे, देखो हमारे लाइट पीछे जल रही, लाइट तो लाइट की व्यवस्था है। और ये जो जो गुंडागर्दी थी, आइए 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 पास में, आप बताइए आप बताइए आप बताइए, पहले की सरकार आज की सरकार में क्या हाल चाल? बोलिए बोलिए। पहले की सरकार में, अभी की सरकार में इतना परिवर्तित है। राज्य सरकार की बात करेंगे कि केंद्र सरकार? दोनों की बता दें। केंद्र सरकार ने ये सोचा है कि किसानों को जितना जो भी किया है, ये 2000 रुपये भी प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं किसान के लिए, तो वो इसलिए दिया गया कि जाकर के कोई किसान आर्थिक स्थितियों में परेशान है तो वो जाकर के 2000 रुपये अपना लगाए अपनी खेती बाड़ी में और अपनी उससे खेती करे, जो परेशान है, जो गरीब आदमी है। तो प्रधानमंत्री जी ने तो करीब करीब देश हित के लिए बहुत कुछ किया है। प्रधानमंत्री की स्कीम अच्छी है, योगी जी की स्कीम बता दे दो। अब योगी जी ये आवास वगैरह इत्यादि करवाई रहे, हाल चाल है? लाइट बहुत डिस्टर्ब कर रही। क्या हो रहा लाइट? लाइट एक दिन को आ रही हो, 10 दिन को नहीं आ रही। अच्छा, कटौती हो रही? बहुत कटौती। यार बिल भर रहे हम, कनेक्शन कोई बात कही जाए थोड़ा सा, हमारी एक बात और निवेदन सुन लें कि हमारे जीआई, हमारे जो लाइट मैन है, जो विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं, वो हम लोगों से यदि हम लोगों ने कहा कि भाई हमारे यहाँ लाइट क्यों आती है, कम हमारे यहाँ लाइट क्यों कटती है, तो वो कहते हैं महाराज जा करके आप पावर हाउस का मांग करें। क्या हम पावर हाउस मांगेंगे? हमारे मांगने से कौन देता है? जब अधिकारी विभाग वाले नहीं मांगेंगे तो हम लोगों के मांगने से नेता क्या कर रहे हैं भैया? जो नेता आओ तुम्हारे तरफ जिला पंचायत को है आज वर्तमान में भगत राजा है, इसके बाद आपके जो भी और क्षेत्र पंचायत हो तो हुई है, क्षेत्र पंचायत है, ब्लॉक में बैठे बच्चू नेता हुई है, वे है, इसके बाद ब्लॉक के नेता हुई है कछु जाने, तो ललितपुर के बड़े नेता तुम्हारे जखोरा में रहते हैं, बेकार नहीं आ रहे। ये नेता काय के ठेकेदार बने फिर रहे, अपने नंबर दो के काम करवे के लिए ठेकेदारी कर रहे, स्वार्थ के लिए ही नेता है, की बात विधायक हैं, जिला अध्यक्ष हैं, ये क्या कर रहे सब अपने अपने तो पूछ ही नहीं गई, जैसे नहर पे 10 दिन से 15 दिन से बैठे आदि पानी के लाए, कितना धरना प्रदर्शन करे बानवाली पे नहर पे करे? अच्छा, हाँ कोई ने सुनी नहीं ना, कल के आज 18 तारीख की सुनवाई थी के पानी दे, सो कोई पानी मानी नहीं ना, पंप कैनाल का आपकी नहर में डलवा दिया जाएगा पानी, जिससे सिंचाई के लिए आप लोग परेशान नहीं रहेंगे। अब आज 18 तारीख का बोला था, 19 पंप कैनाल को पानी है और वो जो जितने उसे सियार वो नहीं है, यूआरसी वाला तो वो ऐसी स्थितियां हैं वहां तो कि जाकर के पानी नीचे पहुंच गया। अच्छा, तो वो तो आ रही नहीं है क्योंकि गेट खोल दिए गए और पावर हाउस चलवा दिए गए, इसलिए हमारे यहाँ की जो यूआरसी नहर है उसके तो क्या नीचे पहुंच गया। तो पानी की समस्या सबसे बड़ी है, जो फसल सूख रही, फसल बिल्कुल पूरी फसल सूख चुकी और बाले खड़ी न, आदमी परेशान। शासन से क्या कंचा रहे? अब जब कंचा के पानी मिल जाए तो हमारी फसल, शासन से यही गुनाह है कि हम लोगों को क्या नाम से जो हम लोग परेशान व्यक्ति हैं, इन लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाए ताकि हम आप लोगों के साथ रहे। वो आप लोगों को सरकार बनने से यही हम लोगों की जो जिज्ञासाएं थी, जो हम लोगों के उत्साह थे कि सरकार चेंज होगी, सरकार चेंज होने से हम लोगों को हर समस्याओं का समाधान होगा, तो न समस्याओं का समाधान है, जैसी समस्याएं पहले थी वैसी आज भी है। ना नेता आया ना कोनो आया, कम से कम 20 गांव के आदमी 15 दिन बैठे रहे। ये विपक्ष के क्या कर रहे हैं? सपा के जिलाध्यक्ष तिलक यादव, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष, बीएसपी के जिलाध्यक्ष, ये क्या कर रहे हैं? अगर सरकार नहीं कर रही, सत्ता के नेता नहीं कर रहे, तो विपक्ष के नेता क्या कर रहे हैं? ज्योति लोधी है तुम्हारी जखोरा की बड़ी नेता, पहले जिलाध्यक्ष भी थी समाजवादी पार्टी की, अब भी और बड़ी नेता हो गई, वे कब तक आई? नहीं थे तो कोई नहीं आओ, सबसे कही सबको दरखास्त नहीं, कोई नहीं आओ ना नेता आओ ना कौन हुआ। तो आपने अभी सुना लोगों की समस्या, लोगों ने अपनी समस्या रखी। सबसे बड़ी समस्या इस समय है खड़ी फसल सूखने की स्थिति में है, और इसको लेके जो नहर है वो बंद हो चुकी है। इन लोगों का कहना है कि पानी नीचे आ गया, तो वो नहर में पानी आएगा ही नहीं। शासन ने ये कहा था जो जब अनशन पे बैठे थे कि हम लोग पंप कैनाल के माध्यम से पानी देंगे, वो पंप कैनाल जो खुद उस
पंप कैनाल पर जो नहर बनी है उन लोगों को पानी नहीं दे पा रही है, आखिर फिर इन्हें कैसे पानी दिया जाएगा? और फसल सूखती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? दूसरी चीज, यहाँ के नेता सो रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी को, चाहे बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, बीएसपी के, सभी नेता केवल पोस्टरों में नजर आ रहे हैं, लोगों की मदद करने के लिए कोई भी जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा है। कहते हैं बूथ अध्यक्षक उनके कार्यकर्ता बैठे हैं, लेकिन वो केवल सोशल मीडिया और पोस्टरों में नजर आ रहे हैं। लोगों की समस्या सुनने के लिए कोई भी नेता घर से बाहर नहीं निकल रहा है। अब देखने वाली बातें होगी कि इन लोगों को पानी शासन किस तरीके से देता है, उनकी खड़ी फसल जो सूखने की कगार पर उसको कैसे बचाता है। जय हिंद, जय भारत। सेफ रहें, सुरक्षित रहें, यात्रियों का पालन करें।